गाए, 40 भाषाओं में गाए, लेकिन उन्होंने और क्या क्या दिमाग में लेके आए फिल्म के बारे में, अगर उस बारे में कुछ बताएं हमारी ऑडियंस को। नहीं, फिल्म पहले मैं सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सेंटर सर, सेंटर देखना। तो ये हमारी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं बेसिकली। सर थोड़ा सा आप हाँ ये सेंटर भेज रहा है जी सर, सेंटर में देखिए मुझे। सो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं मिस्टर राकेश डांग, ही इज ओनर ऑफ सीता फिल्म्स, अभी काफ़ी सारी फिल्में ये लोग कर रहे हैं, इज मेक्षम गुप्ता एंड ही इज मिस्टर कमल जैन, तो अब आप इनसे बात कर सकते हैं। जी सर, कितने एक्साइटेड है द घोस्ट ऑफ गांधी सर, को क्या कहना चाहिए आपके? देखिए, घोस्ट को देखने के लिए तो कोई एक्साइटेड नहीं होता, बट सब्जेक्ट नया है, अच्छा लगा मुझे, दैट्स वाई वी आर प्रोड्यूसिंग इट। तो बाकी अच्छा सब्जेक्ट है, देखो आप भी टीजर देखो, कुछ थोड़ा बहुत समझ आएगा, बाकी तो बनने के बाद ही पता लगेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा हिंट देना चाहे फिल्म के बारे में। घोस्ट ऑफ गांधी जो है अपने कंटेंट जो है इसका एक अलग ही है, बिल्कुल इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, आपको अभी देखने जब तैयार होएगा तब आपको एक अलग ही आनंद आएगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें कुछ? मैं बस इतना ही ऐड करूँगा, गांधी सब जगह है, जो उसकी थ्योरी है वो शायद कहीं ना कुछ हम लोगों में सब जगह में गांधी बैठा है कहीं ना कहीं अंदर, वो शायद इसमें कहीं ना कहीं मनीष जी ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लेट्स सी क्या निकल के आता है। सर आप तो एज अ डायरेक्टर है, लेकिन जो सपोर्ट इनकी तरफ से मिला है उसको लेकर अगर कुछ कहना चाहें कि किस तरह का सपोर्ट मिला, क्या ऑन सेट सर? नहीं, बिल्कुल, मतलब डायरेक्टर और राइटर बिना प्रोड्यूसर्स का के कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते, तो बिना इनके सपोर्ट के तो हम एक कदम नहीं चल सकते, तो इन लोगों का प्रॉपर सपोर्ट है तभी आप सब यहाँ पे हैं। सर एज अ कैप्टन ऑफ द शिप आप क्या कहना चाहेंगे आपका जो फिल्म? मैं कुछ भी बोलूँगा, टीजर आप पहले देख लीजिए, टीजर के बाद आपके पास सवाल होंगे पूछने के लिए। थैंक यू सर। एक फोटो ऑफ कर लेते हैं, घोस्ट ऑफ गांधी बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइटल लग रहा है, आप लोग बताइए कितने एक्साइटेड है, टीजर आज लॉन्च है, अगर थोड़ा सा बताएं आपकी एक्साइटमेंट कितनी है? सब्जेक्ट देख के और आज का सिनेरियो देख के लग रहा है कि मतलब बड़ा रिलेट करेगा लोगों के साथ कि इंडिपेंडेंस डे भी है और आजकल का माहौल भी लोग देशभक्त मतलब देशभक्ति काफ़ी लोगों में जागी हुई है, तो वो देख के लगता है कि अच्छा सब्जेक्ट सुना है इसका इसके लिए। मनीष किशोर ने हमेशा अच्छा काम किया है, अच्छी डिलीवरी दी है, काशी इंसर्च और गंगा हमेशा लास्ट पर से फिलाड़ी भी बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा सब्जेक्ट सोचा होगा और जिसको परफॉर्म करने के लिए है। अभी थोड़ी देर में आप टीज़र देख के खुद ही बताओगे कि कैसा है और कैसा वो है, और इसलिए बोले बात है सब हम सब साथ ही है। आपने फिल्म को बहुत क्लोजली नोटिस कर रहे थे क्योंकि आप प्रोड्यूसर हैं, तो सर अगर यूएसपी बताएं फिल्म की, क्या यूएसपी होने वाली है? USP हमारा मनीष किशोर है एग्जैक्टली, तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसका टैलेंट, उसकी बात करने का तरीका और जो उसकी जो थिंकिंग और थॉट्स है वो प्रेजेंटेशन में जो दिखती है। काम देखा है हमने, काम उसका काम बहुत अच्छे लेवल का काम है, मतलब पहले भी देख चुके हैं काम, 2-3 प्रोजेक्ट किए हुए इकट्ठे किए हुए हैं, सब में बहुत अच्छा काम किया, मतलब बहुत अच्छा पकड़ है उस पर, बहुत अच्छी पकड़ है। थैंक यू वेरी मच। एनर्जी में और उदित नारायण जी सिंगिंग में उनको दिए, भाई साहब को दीजिए। उदित जी, ये प्रोजेक्ट जो आपने गाया है उसके सर वो सरवाई है, आइए आइए आइए। अजय सिंह जी, ये प्रियांशु जी, आइए आइए। गुलशन खुद बता रहे थे फूलों की आवश्यकता नहीं है, अलग सम्मान है सबका, अलग सर आइए आइए, सबका हो जाए फिर मैं सर जी इधर, सर वन मोर सेफ्टी। माँ का बाप का सबका बुके, माँ का बाप का सबका बुके। सर 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 प्यार है आप लोग, क्या बात,
धन्यवाद धन्यवाद मैं तो वीआईपी पिक्चर प्रियांशु इधर मुंडे जी इनका तारुफ मैं दे देती हूँ इनको वैसे कौन नहीं जानता है ये ऐसी मूर्ति है रात की रात जगाऊं मुझे हक है अरज को जान ले खुद ही जान ले खुद ही मेरे मरज को थोड़ा सा सीरियस सा म्यूजिक होगा अगर थोड़ा सा म्यूजिक के बारे में बात करें आप लोग किस तरह का म्यूजिक होगा क्योंकि टाइटल देखने के बाद एक्साइटमेंट लोगों की बढ़ रही है जी। म्यूजिक को लेकर सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं और ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है हम दोनों के लिए और ये एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी आप टीज़र में देखेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि म्यूज़िकली इसमें काफ़ी अलग तरह से प्ले किया गया है। यार सबसे पहले नमस्कार सबको और जैसा कि घोस्ट ऑफ गांधी टाइटल है आपको ये इंट्रिगिंग दिमाग में थॉट आता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या वे इज़ इट गोइंग टू बी गांधी जी इतने बड़े हस्ती रहे हैं नो फादर ऑफ नेशन है सो म्यूज़िकली इफ़ वी कॉल अबाउट अमोल एंड अभिषेक्स म्यूज़िक फॉर दी ट्रैक फॉर दी टीज़र एक सरप्राइज़ है देयर इज़ अ ट्यून देयर इज़ अ ट्रैक जो आपने सालों से सुना होगा बट उसका एक सरप्राइज़ एक वर्जन है जो हमने इसमें ट्राई किया एंड इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन हमारे डायरेक्टर साहब एंड दी राइटर ऑफ द फिल्म मनीष किशोर जी इज़ अ फैबुलस गाय यू नो इनके दिमाग में वो जम ऑफ एन आइडिया आया था टू हैव अ टाइटल लाइक दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सेल्फ यू नो अ बिग थिंग एंड उसके बाद जो अभी होने वाला है आई गेस आप लोगों ने अभी देखा नहीं है जब मीडिया तक ये टीज़र पहुँचेगा विल हैव अ बेटर लुक ऑन वॉट एग्जैक्टली द शो इज़ द घोस्ट ऑफ गांधी मनीष के साथ दोबारा हमारा एसोसिएशन हो रहा है काशी फिल्म की स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन मनीष ने किया था एंड आई एम ऑनर्ड एंड प्रिविलेज दैट ही अगेन ऑफर्ड मी अ पार्ट इन दिस वंडरफुल स्क्रिप्ट दैट ही इज रीडिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वर्क देयर आपको टीजर के ज़रिए बहुत कुछ पिक्चर के बारे में पता चल ही जाएगा मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कोई स्पॉइलर फ़िलहाल इस वक्त आपको दूँ तो आप लोग प्लीज़ टीज़र देखिएगा और फिर अपना अपना अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता तो दोबारा हम साथ नहीं खड़े होते तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मतलब एक डायरेक्टर के लिए और ख़ासकर हम जैसे नए डायरेक्टर्स के लिए सर के साथ काम करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि इनका इनपुट बहुत ज़्यादा होता है इज़ वेरी मच इन्वॉल्व इन द सब्जेक्ट और साथ मिलके जब एज अ टीम हम काम करते हैं एज अ टीम बोले यार नहीं तो ये लोग वापस मिलेंगे इनपुट ज़्यादा होता है खत्म काम नहीं लोग डर जाएंगे जब आप काम करते मजा करो तो बड़ा मज़ा आता है आपने जो है इंडस्ट्री के ऑलमोस्ट हर डायरेक्टर के साथ काम किया बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया मनीष जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर उस बारे में कुछ मनीष वो जैसे मैंने कहा काशी के राइटर थे और उस फिल्म में वो प्रोड्यूसर थे इस फिल्म में पहली बार वो डायरेक्ट करेंगे और आपने आप जब टीज़र देखेंगे और पता नहीं आप अपनी दूसरी फिल्म का भी दिखाने वाले होंगे तो मनीष आई एम श्योर मुझे बहुत अच्छा लगेगा उनके साथ काम करने में उन्होंने वो दिल से चीज़ें करते हैं और बड़ी इंट्रिकेट नॉलेज रखते हैं हर चीज़ों की तो इंक्लूडिंग एक्टिंग सो आई एम श्योर ही गिव मी द न्यूएंसेस ऑफ द कैरेक्टर एंड इट विल बी अ शियर प्लेजर फॉर मी टू परफॉर्म इट थैंक यू सर थैंक यू सर और वो अपने आप में इतिहास हो गई थी
सर, और आज फिर से 22 साल के बाद फिर से मुझे गाना गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मजा आ गया सर, बोलिए। हाय हाय, असली चीज तो आप बड़े छुपा के रखे सर। सर टाइटल बहुत ही क्यूरियोसिटी क्रिएट करने वाला है, तो आई थिंक इट हैज टू बी अमेजिंग एंड वी आर एक्साइटेड। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड फॉर डेजीशा, आई लाइक हर, शी इज़ वेरी अडोरेबल, एंड फॉर डायरेक्टर जो टाइटल है आई होप कि उतना वर्थ इट होगा उसका जो पूरा सब्जेक्ट है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सर, द गोस्ट ऑफ गांधी सुन के क्या आता है? अरे, गोस्ट ऑफ गांधी जो है वो क्रिएशन है हमारे ये मित्र हैं मनीष किशोर जी, इन्होंने जब मुझे इस सब्जेक्ट का जब थॉट सुनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, एंड इसलिए मैं आया भी हूँ कि भाई मैं अपनी सारी बेस्ट विशेस इनको दूँ। और जिस तरह इन्होंने मुझे सुनाया मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इस पर बहुत खूबसूरत चीज़ें जो है देखने के लिए मिलेंगी। सर, मनीष जी का डायरेक्शन है, कितने एक्साइटेड है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि इनकी पहली फिल्म है एज अ डेब्यू डायरेक्टर। पहली फिल्म तो जो है ना, वो पहली फिल्म तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और जो फिल्में आगे हम बनाते थे वो भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पहली फिल्म जो है वो बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो आपको एक पहचान देती है कि आप किस मायार पे उतरेंगे, आपका लेवल क्या है। तो ये पहली फिल्म जो है उसमें मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कामयाब होंगे, इसलिए कि इन्होंने जो मुझे सब्जेक्ट सुनाया ही हैज़ एब्सोल्युटली क्लैरिटी कि व्हाट ही वांट टू कन्वे। तो मुझे लग रहा है कि खूबसूरत, मैं भी वेट करूँगा कि जैसे बनाए मैं देखूँ कि कैसा। सर, इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जो स्टॉर्म आया उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? वी ऑल आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी, एंड ये मेरा बिलीव था बहुत शुरू से कि ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई थिएटर में लोग ना आए बीच में, बिकॉज ऑफ द पैंडमिक लोगों के माली हालात बहुत ख़राब थे, वो अलग बात है। बीच में घर में बैठ के उन्होंने बहुत OTT भी देखा तो वो भी बहुत अच्छा कंटेंट उनको देखने के लिए मिला, लेकिन जो एक्सपीरियंस बड़े स्क्रीन का होता है लोगों के साथ मिलकर वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ये एक बड़ा जादू है, मैजिक है, और ये मैजिक रिटर्न होना ही था, एंड लकीली एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी एंड दिस इज़ वेरी वेरी गुड ग्रेट एंड गुड न्यूज़ फॉर दी एंटायर फिल्म लाइन कि फिल्में इस तरह खूबसूरत तरीके से चल रही है, एंड मुझे लगता है सारे बहुत खुश हैं और फिल्में हैं जो लगी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, एंड हम तो यही प्रे करेंगे कि ये हमेशा जो खुशी का माहौल है, जो जश्न का माहौल है, ये हमेशा इसी तरह बना रहे। सर, लास्टली इंडिपेंडेंस डे अराउंड द कॉर्नर क्या विश करना चाहेंगे सारे? मैं अपने सारे हिंदुस्तानी भाइयों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। ये दिन जो है वो हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट दिन है, हमारी बर्थडे और हमारी मैरिज एनिवर्सरी से भी अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है तो वो ये है। तो मेरी सब लोगों से यही दरख्वास्त है कि भाई यही मेरी मतलब शुभकामनाएं हैं कि बहुत बहुत मुबारक, और इस देश में जो प्यार मोहब्बत है वो हमेशा इसी तरह बनाए रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली जब टाइटल सुनते हैं दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। द गोस्ट ऑफ गांधी एक्चुअली टॉक्स फॉर इट सेल्फ एंड काफ़ी क्यूरोसिटी ये उत्पन्न करता है, एंड आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट कि ये वेब सीरीज़ एकदम सुपर डुपर हिट जाए, एंड डेफिनेटली जितना नाम इंटरेस्टिंग है आई एम सो श्योर कि वेब सीरीज़ भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी। सो भोला शंकर, आई जस्ट डिड अ मूवी विद चिरंजीवी सर, आई जस्ट डिड अ मूवी विद भोला शंकर चिरंजीवी सर, एंड सिनेमा इज स्टिल रनिंग इन थिएटर्स, इट्स डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच। नया सीजन इंट्रोड्यूस होता है, मुझे वो वक्त याद आता है जब पहली बार चार लाइनें कर्मा में मैंने गाई थी सुभाष घई साहब ने, उसके बाद वो समय याद आता है जब पहला गाना मुझे मिला था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना,
आसमान को धरती पे लाने वाला चाहिए, क्या बात, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। इट वॉज बाई डिफॉल्ट आई गॉट द सॉन्ग। उसके बाद बहुत सारे गाने मैंने इनके साथ गाए। हमारा कलाकार जो आया था, इतना प्यारा कलाकार है उदय, एंड आज एक नई आवाज इंट्रोड्यूस हुई है। वो मैं बताऊँ या आप बताएंगे मुझे आपके दिमाग में क्या आता है? मुझे तो पता है क्या है, बहुत सारी चीजें आती है। आप बताएं अपने वर्ड्स पे। आज टीजर लॉन्च भी है, कितनी जी एक्साइटमेंट है? बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज अनाउंसमेंट है, उसके साथ टीजर भी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे डायरेक्टर मनीष, उन्होंने ऑलरेडी बोल चुके हैं कि इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग द टीचिंग्स ऑफ गांधी बैक इन टुडेज एरा। तो उसी के अराउंड कहीं ना कहीं ये सीरीज़ रिवॉल्व कर रही है। आई एम प्लेइंग द जर्नलिस्ट और जो शब्बीर है वो ही इज़ प्लेइंग द सोशल एक्टिविस्ट। क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी एज अ जर्नलिस्ट? अगर अभी चालू होगी रिसर्च, अभी चालू होगी। ओके, और आज जो बिग बॉस का फिनाले है, क्या विश करना चाहेंगे? मे द बेस्ट वन विन। मैंने वैसे बिग बॉस फॉलो नहीं किया है, मैं नहीं जानती, पर मैंने एल्विश का नाम बहुत सुना है। पीपल रियली इज रूटिंग फॉर हिम, सो मे ही विन। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? ओ यस, विशिंग एवरीबडी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई मीन इतने साल हो गए हम फ्रीडम मिले, बहुत अच्छा लगता है दैट वी आर इन अ कंट्री वेयर वी एक्चुअली सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे विद सो मच ऑफ हैप्पीनेस एंड ऑल ऑफ अस कमिंग टुगेदर। सो आई विशिंग एवरीबडी अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। इतनी सारी बातें कही और सिखाई, और अभी अभी सर आके गए, ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे साथ काम करने के लिए वो मंजूरी भी दी और प्लस वो यहाँ खुद आए भी, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बस भगवान का ऊपर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इतनी कृपा बरसा रहे हैं मुझ पर, और ऐसे लोग के बीच में मैं मुझे मौका मिल रहा है बैठने का। ये मैं इतना स्पीचलेस हूँ, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, और बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं आगे कुछ अच्छा कर सकूँ। मन कर दे तो बीच में कूद पड़े और एक माइक है ना सर, एक माइक। आज इसकी महफिल है, प्लीज आप मुझसे मुखड़ा मिला। और फिल्म लिखी है जो जल्द आएगी, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, मतलब लुक भी बिल्कुल माशाल्लाह डायरेक्टर वाली है, तो अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। एक दूसरे के लिए आना चाहिए, आज ट्रेलर लॉन्च है और फिर जल्दी फिल्म भी देखेंगे। सर जो टाइटल है काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करने वाला है, द गोस्ट ऑफ गांधी, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? मैं मुझे लगता नहीं है कि कंफ्यूज करेगा, मुझे लगता है कि जिज्ञासा बढ़ा रहा है। जैसे गोस्ट ऑफ गांधी है तो फिर क्या, क्योंकि गांधी जी के नाम से हम वाकिफ़ हैं, वो हमारे में इस्म बन के अंदर है। और फिर एक होता ना कि आप में एक्साइटमेंट पैदा करता है, मुझे तो ये टाइटल एक्साइट कर रहा है, तो ऑडियंस को भी एक्साइट करेगा और हम देखेंगे फिल्म को। और सर इंडिपेंडेंस डे का मौका है, कुछ पेश करना चाहेंगे? भाई भारत की जनता को मैं यही कहूँगा कि आज़ादी बहुत कीमती चीज़ है, बहुत मुश्किल से मिली है, उसे संभाल के भी रखें और उसे महसूस करके जिए, क्योंकि आने वाला हिंदुस्तान उस महसूस पर ही ज़िंदा रहेगा।
और बढ़ता रहेगा और इसकी शान और शौकत और बढ़ती रहे, नज़र ना लगे। इस मुल्क में बहुत खासियत है, हम सब लोगों में बहुत खासियत है। कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं तो उसको समझो कि कभी कभी मिर्ची तेज़ हो जाती है खाने में, और कोई बात नहीं। बाकी मोहब्बत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। I really like the idea and the title is very nice and Ghost of Gandhi sounds very interesting. मैंने I'm lucky to see the promo also, the final एक मेरे को मनीष भाई ने दिखाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा and बहुत अच्छा concept है and I think it will really do very well. हाँ, ही विल डू गुड ओनली, आई नो ही इज़ अ टैलेंटेड गाय एंड माशाल्लाह से काफ़ी टैलेंटेड है और काफ़ी अदबदार है एंड अपने काम को करना जानते हैं एंड ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट हिज वर्क, सो आई लाइक द गाय एंड आई थिंक ही विल डू वर्क, ही विल डू ग्रेट। सबको मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो और 15 अगस्त बड़ा महत्वपूर्ण डे है हमारे हिंदुस्तान के लिए और मेरे लिए भी, बिकॉज मेरी छोटी वाली बेटी का बर्थडे है उस दिन, महक का बर्थडे है, तो आज मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे है। आज इनका ट्रेलर रिलीज़ हो रहा है और मैं इसके बाद अपनी बेटी का एक वीकेंड, तुम्हारा भी बर्थडे है, इनका भी बर्थडे है। सो गाइज एंजॉय गोस्ट ऑफ गांधी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड ही कम्स फ्रॉम अ राइटर background, so I think he will do very good work. I have faith on him. Thank now you. Let's see the teaser.